हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड डिस्कस करें क्लास 9th की केमिस्ट्री। ठीक है, तो चैप्टर चल रहा है इस मैटर अराउंड अस प्योर। आज का लेक्चर जो है थ्योरेटिकल रहने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम थ्योरी की बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मेन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सेपरेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स रादर। डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करते हैं हम, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें कुछ चीजें सेपरेट करनी होती हैं, सिंपल सी चीज, सपोज हमें कोई चीज साफ करनी है, हम अपने चावल साफ करें तो हैंड पिकिंग से हम वहां पे जो उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो निकाल देते हैं, या जो बाकी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो निकालते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी वेज है जिनसे हम फिजिकली चीजें साफ कर सकते हैं या चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, एक इसी तरह मिक्सचर जो हमारे पास होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है। ठीक है, सपोज कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम अ ब्लू ब्लैक इंक। ठीक है, कलर्ड कंपोनेंट जो डाई का होता है ना, हमें वो रिमूव करना है। सपोज आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको, अगर आपके पास कोई डाई है, ठीक है, उसका आपको कलर्ड जो कंपोनेंट है वो रिमूव करना है। सपोज ब्लैक या ब्लू अगर कलर है तो वो आपको रिमूव करना है। कैसे करेंगे आप? ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इवापोरेशन का यूज करते हैं। ठीक, इवापोरेशन से क्या करते हैं हम, एक बीकर लेते हैं, बड़ा सा बीकर लेते हैं, उसमें पानी रख देते हैं, उस पे रखते हैं वॉच ग्लास। ठीक है, वॉच ग्लास ऐसे इस शेप का होता है, राउंड। ठीक है, तो उसमें अपना मटेरियल डालते हैं या सैंपल डालते हैं जिसमें से हमें इंक निकालनी है। तो उसके बाद चूंकि उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए डायरेक्ट हीट पे नहीं रख देते, तो उससे क्या होता है, जैसे वहां से वो हीटअप हो जाता है तो वहां से वाटर जो इवोपरेट होता है, वहां पे हमारा एलिमेंट रहता है जो कलर्ड एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से कलर आया होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक हमने यूज की, कौन सी, इवापोरेशन वाली। ठीक है, ये क्योंकि ये प्रोसेस जो है यहाँ पे ये हम यूज कर सकते थे, तो इसलिए हमने ये की। लेकिन आप देखो कि डिफरेंट मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एक, सपोज हमारे पास पता है कि एक जो है मिक्सचर किसका है, एक तो वाटर का है पहले और उस कलर्ड कंपोनेंट का, दैट इज वाई यहाँ पे हमने वाटर का इवापोरेट करके कलर्ड कंपोनेंट निकाला। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि मुझे क्रीम सेपरेट करनी है मिल्क से, कैसे करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा मेथड चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे इवापोरेशन का मेथड नहीं चलेगा। ठीक, यहाँ पे जो चलता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आपने देखा होगा, मोस्टली टीवी में भी देखा होगा, या अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो बनाने के लिए कुछ टाइप का है, जिसको फिर ऐसे रस्सी होती है, फिर ऐसे ऐसे उसको मोमेंट देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। ठीक, आज उसके लिए मशीन है जिनमें आपने सैंपल डाल, जैसे हम सैंपल डालते थे, ठीक है, उसके बाद बटन ऑन करते हैं तो वो खुद उनको घुमाते हैं। ठीक है, फास्ट मोमेंट देते हैं, उससे क्या होता है, वहां पे हम जो हेवी पार्टिकल्स है, ठीक है, उनको फोर्स करते हैं कि वो नीचे रहे, ठीक है, वो बॉटम में रहे, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाते हैं। जब लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं तो हम लाइटर वाला पार्ट रिमूव करते हैं और हमारी क्रीम आ गई। ठीक है, तो ये यूज होती है बहुत सारी और भी फंक्शन इसके साइंटिफिकेशन के। सपोज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है। ठीक है, used in dairies at home and have and home to separate butter from cream, cream से butter separate करने के लिए, used in washing machines to squeeze out water from wet clothes, wet clothes water squeeze करने के लिए भी washing machine में यही use किया जाता है। washing machine में जो हमारा यहाँ पे spin करते हैं हम, ठीक है, जो वाला portion होता है जिसपे हम spin करते हैं अपने clothes को, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे यही वो continuously जो है moment देता है, centrifuge करता है, तो वहां पे heavy जो water होता है वो नीचे चला जाता है और बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसमें भी यही टेक्निक यूज होती है, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगेशन वाली। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मतलब वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे। ठीक है, मतलब दो लिक्विड्स हैं लेकिन वो आपस में मिसिबल नहीं है, इमिसिबल है मतलब एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे, एक दूसरे में वो क्या बोलते हैं इसको,
मतलब आपको अगर आप देखोगे तो आपको दूर से दिख जाएंगे ये दो लिक्विड है, ठीक है, वो एक लेयर बनाते हैं फिर आपस में सेपरेट रहते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप की फाइनल होती है जिसकी कुछ शेप इस तरीके की होती है, ठीक है, इस तरीके की कुछ शेप होती है, यहाँ पे उसको लगाया होता है स्टॉपर, यहाँ पे मान लो आप ऐसे खाली होती है, फिर इसमें डालते हैं आप ऐसे, यहाँ तक एक लेयर आ जाता है, यहाँ पे दूसरा लेयर आ जाता है, फिर उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, नीचे एक बीकर रख देते हैं, ठीक है, एक बीकर हमने रखा है नीचे, तो ये बीकर में गिर जाता है, ठीक है, जब तक यहाँ तक पहुंच जाता है उसके बाद यहाँ पे बंद करते हैं, दूसरा बीकर लाते हैं, फिर ये वाला पोर्शन लेते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स के लिए सिंपल चीज है, ठीक, इमिसिबल के लिए नॉर्मल सी चीज है, इमिसिबल में उतना क्या ही करना है, इमिसिबल है दो अलग अलग पहले ही है तो सिर्फ उनको अलग अलग रिमूव करना है, तो इससे हम रिमूव करते हैं। आपकी टेक्स्ट में अच्छी डायग्राम दी इसकी, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हो। सो एप्लीकेशन भी है, और भी एप्लीकेशन, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर इमिसिबल होते हैं, मिक्स नहीं होते, तो अगर आप ऑयल एंड वाटर रिमूव करना है तो आपको ये वाली फनल चाहिए उसके लिए, ठीक है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाई दिस मेथड एंड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस, ठीक है। एप्लीकेशन है इसके, तो आयरन ओर से स्लैग रिमूव करने के लिए और मोल्टन आयरन को नीचे लाने के लिए भी ये यूज किया जाता है, क्योंकि स्लैग जो ऊपर आ जाता है मोल्टन आयरन नीचे आ जाता है, तो वो रिमूव करेंगे तो ऊपर ये वाला रहता है, ठीक है। सेपरेटिंग फनल कहते हैं उसको, ठीक है, सेपरेटिंग फनल, उस फनल को हम कहते हैं जिसकी शेप इस तरह की होती है, सेपरेटिंग फनल। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। सिंपल सी बात है, ये आपको खुद आना चाहिए, साल्ट है आपके पास कैम्फर के साथ मिक्स हो गया, कैसे रिमूव करोगे? हाँ जल्दी जल्दी, सिंपल है, हमने पढ़ा है लास्ट वाले चैप्टर में, जो उससे पहले हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री का, उसमें हमने डिस्कस किया था सब्लिमेशन, एक प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, वो जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली चेंज होता है वेपर स्टेट में, यहाँ पे वही करेंगे। तो एक टाइप की फ्लास्क लेते हैं हम, ठीक है, फ्लास्क देते हैं, आपकी टेक्स्ट ने अच्छी डायग्राम बनाई है, फ्लास्क लेके हम क्या करते हैं, दोनों जो मिक्सचर होता है उसमें डाल देते हैं, नीचे से हीट अप करते हैं, तो वो जो कैम्फर है वो इवेपोरेट हो जाता है और उसको हम साइड पे फिर ले लेते हैं, ठीक है, जो बीकर होता है उसके या जो फनल होती है उसके साइड पे वो मिल जाता है हमें, ठीक है। तो क्या होता है, साल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो थोड़े से टेम्परेचर से मेल्ट नहीं होता, इसीलिए कैम्फर जो वो इवेपोरेट होता है, साल्ट वहीं पर रहता है, तो आपका साल्ट एंड कैम्फर मिक्सचर अलग अलग हो गया, सिंपल सी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, ठीक है, क्या जो डाई होती है ब्लैक इंक में क्या वो सिंगल कलर होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मिक्सचर होती है दो तीन कलर्स का, फिर वो पर्टिकुलर शेड बनाते हैं, ठीक है, थीके? आपको भी पता होगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए होता है तो हम दो तीन कलर्स को मिला के उस कलर को बनाते हैं। तो वो हमें कैसे पता चलता है, हम एक टेक्निक यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी कह दिया है, हम पेपर पीस लेते हैं, ठीक है, पेपर को लेते हैं और ऐसे डालते हैं उस डाई में, ठीक है, ऐसे उस डाई में डाल देते हैं ऐसे यहां तक, ठीक। तो फिर क्या होता है, अब ये डिपेंड करता है कि ये जो इंक है ये कितनी सॉल्युबल है, ठीक है, जितनी सॉल्युबल होती है वो ज्यादातर तो ऊपर जाती है, और हमें यहाँ पे डिफरेंट पैचेस मिलते हैं डिफरेंट कलर्स के, ठीक। ये भी एक सिंपल सी टेक्निक है, आप देखोगे इसकी एक्टिविटी पे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मसला है ये, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी यूज होती है देखने के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है, एज द वॉटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विथ इट डाई पार्टिकल, यूजली डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वॉटर राइजेज फास्टर, इन दिस वे कलर गेट सेपरेटेड, ठीक है ना। आगे सिंपल क्या होता है, जो अब जितना वॉटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा ऊपर जाएगा और जो कम होगा वो कम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं इस पेपर पे, डिफरेंट बैंड मिलते हैं, सिंपल है, ज्यादा मसला नहीं, ठीक। क्रोमा, एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं, क्रोमा के माने होते हैं कलर, ठीक है, क्रोमा ग्रीक वर्ड है, इसके माने कलर की होती है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट इज फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग इज फ्रॉम ब्लड, ठीक है। ये और भी फंक्शन है जिसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू रिमूव करते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड, अब मिसेबल लिक्विड आपके पास आगे
कैसे आप म्यूनिसिपल लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हो। इसमें भी एक सिंपल सी बात है, अगर आपका म्यूनिसिपल लिक्विड्स है ठीक है, और उनका टेम्परेचर डिफरेंस जो है बॉइलिंग का, इवोपरेट होने का या बॉइलिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर उसमें 25 डिग्री का है ठीक है, 25 डिग्री एक और दूसरे के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है ठीक है, तो इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से रिमूव करते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो एक जो कम जो जल्दी वोलेटाइल होता है, जो जल्दी इवोपरेट होता है, वो वाला हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला जब आ जाता है तो हम दूसरे को कलेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, सपोज हम एक बीकर फनल लेते हैं ठीक है, या एक बीकर लेते हैं, या डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कहते हैं उसको ठीक है, राउंड फ्लास्क होते हैं, हम काम करते हैं उसमें दोनों, उस मिक्सचर को डाल देते हैं, हीट अप करते हैं, तो एक कंपोनेंट इवोपरेट होता है जल्दी ठीक है, वो जो जल्दी इवोपरेट होता है ना, उसको हम ऐसे जो एक ट्यूब से लेते हैं और जमा करते हैं, तो हमें जब लगता है ना कि अब वो टेम्परेचर पहुंच गया जहां पे अब दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, तो हम दूसरे को लेते हैं ठीक, वो बीकर हटा के दूसरा बीकर रख देते, उसमें दूसरा कंपोनेंट आ जाता है, या अगर हम एक कंपोनेंट को रिमूव करेंगे दूसरा फ्लास्क में रहेगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में रहेगा। अब ये चीज कि अगर वो दो मिसेबल लिक्विड्स को जिनका टेम्परेचर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम हो, तो वहां पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी यही अपेरेंस होता है, उनमें कोल्ड वाटर और वाटर कंडेंस का यूज किया जाता है, थोड़ा सा वो उसमें इंपॉर्टेंट है, और उसमें यूज किया जाता है ग्लास बीड्स ठीक है, या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी उसको हम कहते हैं, वो थोड़ा सरफेस करते हैं प्रोवाइड कूल होने के लिए लिक्विड्स को ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एयर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू रिमूव करते हैं, अगर आप एयर से कोई कंपोनेंट रिमूव करना है, ऑक्सीजन करना है, नाइट्रोजन, कोई भी चीज, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इनको रिमूव करते हैं। हम पहले एयर को लाते हैं, कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेके उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग अलग पार्ट्स को रिमूव करते हैं ठीक है, सपोज ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, आर्गन को, एक्स्ट्रा ठीक, ये भी सिंपल सी बात ही है। अब जो है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, आपको प्योर कॉपर सल्फेट चाहिए इम्प्योर सैंपल से ठीक है, तो इसको अभी इसमें जाते हैं, पहले ये दिया गया है कि हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी यूज करते हैं ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, अगर हमें साल्ट इसमें से डिफरेंट साल्ट कोई साल्ट रिमूव करना हो, सपोज आपने सी वाटर लिया ठीक है, सी वाटर से आपको क्या चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर साल्ट चाहिए, तो हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। टू रिमूव द दीज इंप्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फॉर द सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक एज सम सॉलिड इज डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, सम इम्प्यूरिटीज में रिटेन डिजोल्वड इन द रिमेन डिजोल्व इन द सोल्यूशन एवन ऑफ फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन इज कंटेमिनेट द सॉलिड ठीक है। सिंपल सी बात है कि इससे क्रिस्टलाइजेशन बेटर ऑप्शन होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन के प्योर क्रिस्टल्स आपको देते हैं, और अगर आप इवेपोरेशन करते हैं तो वहां पे कुछ सॉलिड जो है उनका जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो निकल जाता है, तो वो ड्राई हो जाते हैं, या स्टिल उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह पाती है, उसके बाद अगर वो हमने इवेपोरेट किया उसके बाद मिक्स किया तो वो फिर से प्रॉब्लम कर देते हैं ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है क्रिस्टलाइजेशन के, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर से हम सॉल्ट करें उसको प्योरीफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज करते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स अलम ठीक है फटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स हैं क्या निकालते हैं क्रिस्टल्स ऑफ अलम। जो भी हमने ऊपर मेथड्स यूज किए ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है आपको जिसको आपको सेपरेट करना है ठीक। सिंपल से अब कोई ये डिपेंड करता है कि कौन सा मिक्सचर है, क्या मिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड है, क्या हाथ से सेपरेट हो सकते हैं, क्या इवेपोरेशन लगेगी, ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड है और मिक्सचर क्या क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है, उसी अकॉर्डिंग हम मेथड चूज करते हैं ठीक है। आपको एक डायग्राम देखिए जिसमें आपको दिखाया गया कि जो वाटर होता है ठीक है, वाटर कैसे हम स्टील में कैसे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, रिजर्वेयर से लिया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में पहले, तो वहां पे सेटल होता है जो सॉलिड कुछ होता है वो सेटल हो जाता है ठीक है, उसके बाद क्या होता है लोडिंग टैंक में डाल दिया जाता है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जो स्टिल रहती है वाटर में उनको रिमूव करने के लिए, उनको सेडिमेंट करने के लिए उसको डाला जाता है लोडिंग टैंक में ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिल्ट्रेशन टैंक क्या करता है, उसमें फाइन सैंड होती है, ग्रावल होती है ठीक है, कोर्स ग्रेस जो है वो होती है, उसके बाद उसको डाला जाता है क्लोरिनेशन टू किल बैक्टीरिया, उसके बाद उसको
अब पंप किया जाता है होम्स में हमारे, ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये वेव्स होती है जिससे हम प्यूरिफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं वाटर को सिटी में भेजने के लिए। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, हर एक मेथड में एक एक एक्टिविटी दी गई है आपको। एक बार अगर एक्टिविटी करेंगे नहीं अभी तो एक बार पढ़ ली नहीं एक्टिविटी, उससे हमें समझ में आ जाएगा कैसे होता है, ठीक है, कौन सा मेथड होता है, किस वे से इसको सेपरेट किया जाता है। बाकी सिंपल है, अगर आपको कुछ नोट करना है तो जल्दी से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। सपोज अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सपोज हमने क्या डिस्कस किया था, कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टार्स, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंसिडर की जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतनी चीज हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस की थी। हमने वहां पर यह भी बोला था कि हम उनको तब ही बोलते हैं कि ये प्योर है जब उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, ठीक है। तो हमने वहां पे लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल चेंजेस कुछ थोड़ी सी हैं, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल और लिक्विड्स बट देयर केमिकल कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। सिंपल सी बात है, आपको वाटर दूंगा मैं, ऑयल दूंगा, आप बोलोगे हाँ ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, लेकिन वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है, और ऑयल की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। यहां पर इंडिकेट किया जाता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है। सपोज अगर आपको बोलूंगा मैं ऑयल है और वाटर है तो दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह ये कितना इन्फ्लेमेबल है, ये कितना इन्फ्लेमेबल, कौन जल्दी हीट कैच करता है, किसको टाइम लगता है, कौन ज्यादा टेम्परेचर बॉयल होता है, तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है और यूजुअली केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, इसका ऑर्डर कैसा है, इसका ऑर्डर कैसा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। हाँ, धीमे में पता है कि ऑयल जो है, ऑयल क्या करता है, वो आग लगा देता है, ठीक है, आग लगाने के लिए ऑयल का यूज करते हैं और आग बुझाने के लिए वाटर का, तो केमिकल प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट है, वो एक के काम आता है, ये उसका अपोजिट वाला काम करता है, ठीक है। ये भी सिंपल सी बात है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो एक दो दूसरे मटेरियल को डिफर करती है एक दूसरे से, ठीक है। सपोज बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्ट, बर्निंग जो है केमिकल चेंज है, ठीक है। केमिकल चेंज वो वाली चेंज होती है जहां पे आप जो आपका एंड प्रोडक्ट आ जाए उनको फिजिकल वे से वापस नहीं ला सकते, ठीक है। आपने कोई चीज जलाई तो ऐश को आप वापस से अगर आपने पेपर जलाई तो वहां पे ऐश बन जाएगा, तो क्या आप ऐश को फिर से पेपर बना सकते हो, नहीं ना। तो वो वाली चेंज जो इन्वर्ट नहीं कर सकते, जो हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है, फिजिकल मेथड से, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। देखते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर एंड अंडरगो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस, ठीक है। केमिकल चेंज में केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, पेपर की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, ऐश की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, और यूजुअली ये हम फिजिकल वे से इसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है, ये इनविटेबल नहीं होती है। और सपोज बर्निंग ऑफ कैंडल जो उसमें केमिकल प्रोसेस भी है, फिजिकल भी है। फिजिकल क्या है, मेल्टिंग है, वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, हम उसको कूल करेंगे वापस से बन जाएगा। और बर्निंग ऑफ जो वैक्स है, ठीक है, उसको, वो तो केमिकल चेंज है, वैक्स जो है बर्न हो गया, उसको आप कहां से लाओगे वापस, ठीक, उसने हीट दी, उसने आपको लाइट दी, वो बर्न हो गया, ठीक, उसको वापस नहीं ला सकते। वहां पे बर्निंग जो है वैक्स की वो केमिकल चेंज है, लेकिन जो मेल्टिंग है वहां पे, मेल्ट जो होता है वहां पे, वो फिजिकल चेंज है। मेल्ट को हम वापस कूल करके वापस से कैंडल बना सकते हैं, लेकिन जो बर्न हुआ उसको नहीं बना सकते, ठीक है। ये सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। यहां पे हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एटसेट्रा, ठीक, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और कौन से कंपाउंड्स प्योर होते हैं, कौन से कंपाउंड्स मिक्सचर होते हैं, ठीक। कंपाउंड्स में भी फिर टाइप्स है, आपको बोलकर वाटर कंपाउंड है, हाँ वाटर कंपाउंड है, ठीक है। वाटर की फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक, तो वाटर कंपाउंड है, ये दो एलिमेंट से बना है। इसी तरह आपके पास और भी कंपाउंड आ जाएंगे, लेकिन वो मिक्सचर होंगे, ठीक है, क्योंकि
वो सेपरेट होते होंगे, मैं आपको बताऊंगा जब हम उस टॉपिक पे आ जाएंगे। अभी के लिए क्या है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, ये थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक था, थियोरेटिकल टॉपिक था। आपको क्या करना है, यहाँ से जाके टेक्स्ट से पढ़ना है तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। मे बी कुछ पॉइंट स्किप हो गए हो तो एक बार पढ़ लेने से हो जाएगा, क्योंकि ये उतना टफ टॉपिक है नहीं कि एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी चीजें हैं, मैंने हर एक मेथड की हिंट दी है, एक बार पढ़ लोगे डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिटल कोई पॉइंट रहता है नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं फिर से डिस्कस करूंगा। ठीक, तो नेक्स्ट वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग रहने वाला है, एलिमेंट्स कंपाउंड्स, उसमें डिस्कस करेंगे तो कुछ अच्छा सा सीखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है अगर आप नए हैं। हमारे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम एक्स्ट्रा पे जुड़ सकते हैं आप। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।